नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और मैं आपको बता दूँ, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेंगी और फिर आपको मेरे दिए हुए आंसर से आपके आंसर से मिलाना है और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप में डेली जीके का टेस्ट और शनिवार और रविवार को रेलवे डी ग्रुप, एचएसएससी और हरियाणा पुलिस का टेस्ट लिया जाता है और उनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये सब बिल्कुल फ्री हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लें। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा शोभ मंडल, आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो इसका आंसर आएगा हाइग्रोमीटर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा किडनी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत मापने की इकाई है। तो इसका आंसर आएगा डोब्सन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो इसका आंसर आएगा 72 बार, आंसर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैक्सिस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा फिलीपींस, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, स्रवदाता रक्त समूह किसे माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा ओ, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है। तो इसका आंसर आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। तो इसका आंसर आएगा खान अब्दुल गफार खान, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर आएगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 12, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये कौन थी, इंदिरा गांधी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल के नियम का संबंध है। तो इसका आंसर आएगा पवनों की दिशा से, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा रेमन मैक्सेस, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा केलोलॉजी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो इसका आंसर आएगा 120/80 मिलीमीटर, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये कौन थे, पंडित रविशंकर, आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए बी, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो आंसर आएगा 206। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर आएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा पैर में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो ये कितनी होती है, 20, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं। तो इसका आंसर आएगा अवसादी चट्टान, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा भारत रत्न, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा यकृत ग्रंथि, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा
लैंडस्टीनर और वीनर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं, तो इसका आंसर आएगा सौर मंडल में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर आएगा जी शंकर क्रूप को, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो ये कितना होता है 78%, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसका आंसर आएगा ग्रैमी पुरस्कार, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, मानव के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 5 से 6 लीटर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, श्वेत रक्त का जीवन काल है कितना होता है 2 से 4 दिन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड बैंक कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा सपलीन यानी पलीहा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक लवणता वाला झील है, तो ये कौन सा, वान झील, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो ये होती है 35%, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, तो ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टाइलीन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सफिग्मो मोनोमीटर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा ये तीनों, आंसर डी। और फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।